नमस्कार राधे राधे, मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को बुढ़वा मंगल की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम के परम भक्त अतुलित बलधाम पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की आराधना का दिन। वैसे तो मंगलवार और शनिवार दोनों ही दिन श्री हनुमान जी महाराज की आराधना के लिए विशेष दिन माने जाते हैं, लेकिन बुढ़वा मंगल का महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत अधिक है। बुढ़वा मंगल को श्री हनुमान जी महाराज का विशेष पूजन किया जाता है। श्री हनुमान जी की कृपा से भगवान श्री राम की चरण सेवा मिलती है। आज के इस वीडियो में बुढ़वा मंगल का महत्व एवं बुढ़वा मंगल से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बुढ़वा मंगल के लिए क्या पूजा विधि है। बुढ़वा मंगल को श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम सुबह उठकर स्नान करें और लाल वस्त्र धारण करें, श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करें और बुढ़वा मंगल व्रत करने का संकल्प लें। उसके उपरांत घर के ईशान कोण में चौकी पर पूरी चौकी को सुसज्जित कर श्री हनुमान जी महाराज की मूर्ति या तस्वीर बैठाएं, अर्थात श्री हनुमान जी महाराज को चौकी पर आसन दें। इसके अतिरिक्त किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर भी बुढ़वा मंगल की पूजा कर सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज को नारंगी सिंदूर चढ़ाएं तथा श्री हनुमान जी को लाल पुष्प लाल फल अर्पित जरूर करें। पूजन के उपरांत श्री हनुमान जी की आरती करें और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। मान्यता है कि इस दिन सच्ची श्रद्धा से श्री हनुमान जी की पूजा करने से बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त होती है। श्री हनुमान जी के बुद्ध स्वरूप की पूजा करने से बजरंगबली अपने भक्तों के सभी दुख दूर कर देते हैं। धन और व्यापार से जुड़ी हुई परेशानियों को दूर करने के लिए भी बुढ़वा मंगल को विशेष उपाय किए जाते हैं। बुढ़वा मंगल को लेकर विभिन्न पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से प्रमुख कथाएं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हैं। पहली कथा के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत काल में एक बार भीमसेन जी श्वेत कमल की तलाश में गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने एक बूढ़े बानर को रास्ते में लेटे हुए देखा और उससे अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। उस बूढ़े बानर के रूप में भीमसेन जी का अहम दूर करने के लिए, उनका घमंड चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के दिशा निर्देश अनुसार ही श्री हनुमान जी महाराज उस बूढ़े बानर के रूप में अपनी पूंछ को भीमसेन के रास्ते में रखकर लेटे हुए थे। जब भीमसेन जी द्वारा उनसे कहा गया कि रास्ते से अपनी पूंछ को हटा लीजिए, तब श्री हनुमान जी ने कहा कि यदि तुम ताकतवर हो तो तुम ही हटा लो। भीमसेन जी ने अपनी पूरी शक्ति से पूंछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हटा पाए। भीमसेन का घमंड चूर चूर हो गया। जब यह घटना घटी थी तब मंगलवार था, इसलिए इस मंगलवार को बुढ़वा मंगल कहा जाता है। दूसरी कथा के अनुसार श्री सीता जी की खोज करते हुए भगवान श्री राम जी से हनुमान जी का मिलन विप्र अर्थात पुरोहित के रूप में इसी दिन हुआ था, इसलिए भी इसे बुढ़वा मंगल अथवा बड़ा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। अन्य प्रचलित कथा के अनुसार सीता माता की खोज में जब श्री हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और पूरे घटनाक्रम के बाद रावण के द्वारा श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगवा दी जाती है, तब श्री हनुमान जी अपना विराट रूप धारण करते हैं और रावण की लंका जलाने के लिए अपनी पूंछ में बड़वानल अर्थात अग्नि पैदा कर लेते हैं।
और पूरी लंका को जला देते हैं। इस दिन भी मंगलवार था और इसलिए इसे पुड़वा मंगल नाम मिला। कहा जाता है कि मंगलवार को श्री हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान मिला था, इसलिए इसे बड़ा मंगल और बुड़वा मंगल कहते हैं। इस प्रकार बुड़वा मंगल से जुड़ी हुई यह पौराणिक कथाएं हैं। मंगलवार को श्री हनुमान जी की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूरे भारतवर्ष में बुड़वा मंगल को बहुत ही हर्ष उल्लास और भाव के साथ मनाया जाता है। इस दिन श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में विशेष सजावट की जाती है और उनका विशेष श्रृंगार कर विशेष पूजन किया जाता है। हम सब पर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सबके घरों में सुख समृद्धि सफलता संपन्नता और प्रसन्नता का वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे, जय श्री राम।